तो चलो शुरू करते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि किसी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को रख देने पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh जो कि टोटल एनर्जी के बराबर होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। अब इस हाइट से जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा बॉडी नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी घटेगा क्योंकि उसका हाइट घट रहा है। लेकिन पूरे रास्ते टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर डिपेंड करेगा। इस ऑब्जेक्ट की जमीन से टकराने से जस्ट पहले मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी हम न्यूटन के इक्वेशन को लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये वेलोसिटी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने में मदद करेगा इस पोजीशन पे जो कि टोटल एनर्जी के बराबर होगा क्योंकि इस पॉइंट पे हाइट जीरो होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। सबसे ऊपर और सबसे नीचे टोटल एनर्जी सेम होने से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी प्रूफ होता है। तो देखो हमें टोटल एनर्जी यहाँ नहीं चाहिए, ना ही हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर समझने आए हैं। हमें सिर्फ फोकस करना है पोटेंशियल एनर्जी पर, और अगर ऑब्जर्व करें तो टोटल एनर्जी में से अगर काइनेटिक एनर्जी को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही बचेगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी को रास्ते से हटाने का क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम जीरो कर दें। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते वक्त इस पर नीचे लगने वाले mg फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि लगभग mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बॉडी पर नेट फोर्स तब जीरो हो जाएगा जिससे इस बॉडी पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। एक्सेलरेशन जीरो होने से बॉडी का हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होने लगेगा। तो हमें यही वेलोसिटी को जीरो करना था जिससे काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट पर जीरो हो जाए, जिससे इस ऑब्जेक्ट को नीचे से इस हाइट तक उठाने में जो भी काम है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी mgh के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर होगा। ए गुरुजी, ज्यादा घुमाइए मत, सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताइए वरना यहीं गाड़ देंगे। अरे हाँ हाँ याद है, लेकिन क्या मुझे ये सुई मिलेगा? इधर ये सुई, लेकिन सुई का क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि मेरे पास चीजों की कमी है, लेकिन फिर भी मैंने सुई को ही चूज किया, इसके पीछे भी कारण है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें चाहिए टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज सुई की ही तरह एकदम नेगलिजिबल होता है जिसके पास ना मास ना कोई चार्ज। अब जब भी इस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इनफाइनाइट पोजीशन से किसी एक पोजीशन पर ले जाते हैं तो ठीक जैसे हमने अभी देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारा काम स्टोर हो रहा था एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो भी हम काम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखने पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स आता है और वो फोर्स होता है q × E। जैसे हमें पहले केस में mg के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर चार्ज पर नीचे लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी इस चीज का ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हमारे द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के लगभग बराबर हो, जिसके कारण से इस टेस्ट चार्ज की पूरे रास्ते वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो रहे। टेस्ट चार्ज का मास और चार्ज ना के बराबर इसलिए लिया जाता है ताकि इसके द्वारा लगाए जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर फर्क ना डाल पाए। पूरे रास्ते काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के कारण मेरे द्वारा किया गया पूरा काम पूरे रास्ते कन्वर्ट होकर के पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर होगा। काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से एलिमिनेट करके हम पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करके ही हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से एक पोजीशन पर लाने के लिए हमें एक्सेलरेशन जीरो रखना होगा जिससे हम आसानी से पोटेंशियल एनर्जी को निकाल पाए। एक पॉइंट ये है कि हम कभी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकालते बल्कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं जिसके कारण से हम वर्क डन q × V लिखते हैं, ना कि q δV। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ।